हाथ हो रहा था जन विद्यार्थी सब ऊपर जन विज्ञान की तरफ कितने बताए थे बच्चों मैंने चार कौन कौन से परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास उनको दूसरा बताया था नियोजन तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे किसी वस्तु का निर्माण जिन मुख्य कारकों से सम्मिलित द्वारा होता है वह पुष्टि तत्व अथवा अवयव कहलाते हैं उदाहरण के लिए भवन का निर्माण जैसे कि हम भवन बनाते हैं मकान बनाते हैं उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है जैसे ईंट सीमेंट रेत या लोहे से होता है इसी प्रकार भवन के तत्व ईंट सीमेंट रेत लोहा आदि होंगे गृह विज्ञान के तत्व से अभिप्राय है कि गृह विज्ञान किन किन बातों पर आधारित है किसी विषय के तत्वों को उस विषय का क्षेत्र नहीं माना जाता जानना चाहिए तब उन तथा क्षेत्र में प्रमुख अंतर क्या होता है ये क्षेत्र विकासमान होता है और उसमें नए नए विषय जुड़े रहते हैं किंतु तत्व कुछ एक से रहते हैं गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं नंबर एक परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास परिवार के रूप में मानव ने एक ऐसी संस्था का विकास किया है जहाँ उसका शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होता है परिवार में ही उसके प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्राप्त होती है प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायी होता है तथा प्रत्येक सदस्य के अधिकार और कर्तव्य होते हैं यानी कि जब परिवार में व्यक्ति रहता है तो क्या होता है कि उसके कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं उसके अधिकार भी अलग अलग होते हैं कोई काम जो करते हैं तो उसको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है गृह विज्ञान सौंपी जाती है अतः परिवार के सभी सदस्यों का स्वस्थ विकास और अभिवृद्धि के लिए सहायक पर्यावरण की व्यवस्था करना गृह विज्ञान का मूल तत्व है जिससे बालकों का समुचित पालन पोषण हो और वे समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके दूसरा नियोजन किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए नियोजन आवश्यक है यानी कि नियोजन का मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसकी योजना को तैयार कर लिया जाता है कि हमें किस प्रकार से यह काम करना है तो वो क्या होती है हमारी योजना होती है तो उस योजना को किस प्रकार से बनाते हैं नियोजन का अर्थ है कार्य के लिए पूर्व तैयारी इसमें हम यह पहले से तय कर देते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है और कैसे करना है जिससे काम के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो वह कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके पारिवारिक जीवन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आय के नियोजित व्यय तथा बचत की आवश्यकता होती है गृह विज्ञान का अध्ययन क्रय विक्रय बजट बचत आदि से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करता है जिससे व्यय और बचत का उचित नियोजन किया जा सके गृह प्रबंध के लिए नियोजन की महत्ता स्पष्ट है यदि घर में गृहिणी जीवन के कार्यों की योजना बना लेती है तो वह अपने आराम के लिए यथेष समय निकाल सकती है तथा सामाजिक गतिविधियों और कलात्मक क्रियाओं में उसका सदुपयोग कर सकती है इस प्रकार नियोजन द्वारा हमारे भावी कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है और यह भावी कठिनाइयों को दूर कर कार्यों को सरल व रुचिकर बनाता है नंबर तीन नियंत्रण किसी कार्य के संबंध में यदि योजना के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है तो परिस्थिति वंश योजना में परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है नियंत्रण से अभिप्राय चालू योजना के कार्यक्रम के अनुसार अथवा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करना है गृहिणी अपने दैनिक कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती है और संयुक्त से चलाती है तथा आवश्यक होने पर कार्य करते समय कि उसने कुछ परिवर्तन भी कर लेती है ये सभी निर्णय नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका नियंत्रण संभव नहीं हो सकता ऐसी परिस्थितियों में गृह विज्ञान यह सिखाता है कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए उदाहरण के लिए कार्यों के करते समय किसी अंग का जल जाना या हाथ का कट जाना साधारण बात है गृह विज्ञान इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा का सामान्य रोगों के विषय में जानकारी तथा उनकी रोकथाम एवं परिचर्या का भी ज्ञान कराता है नंबर चार मूल्यांकन
गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अनुभव का लाभ उठाकर बार बार उस गलती को दोहराने से बचना चाहिए। यह तभी संभव है जब पहले किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए, अर्थात यह देखा जाए कि किन कार्यों को सफलतापूर्वक किया गया और जो कार्य पूरे नहीं किए जा सके उनमें क्या क्या त्रुटियां रही तथा उनके क्या क्या कारण थे। नियोजन के मूल्यांकन के द्वारा ही नियोजन को सफलता और असफलता निर्धारित होती है। मूल्यांकन का लाभ भविष्य की योजना बनाते समय उठाया जाता है। जिस प्रकार मूल्यांकन नियोजन की कसौटी है, उसी प्रकार नियंत्रण की भी है। एक कामकाजी महिला दृष्टि में स्वतंत्र रूप से काम करती है, वह दिन भर के कार्यों को योजना बनाती है, परंतु रात को देखती है कि कुछ कार्यों में अधिक समय लग जाने के कारण कुछ अति आवश्यक कार्य नहीं हो पाए अथवा समय की कमी के कारण जो सड़क की वेशभूषा आदि का समुचित नाम नहीं दे पाई तो दूसरे दिन की योजना बनाते समय वह इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मूल्यांकन भावी योजनाओं के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करता है तथा भविष्य संभावित त्रुटियों से हो सकने वाली कमियों को बताता है। बच्चों आपके समझ में क्या आया? चारों मैंने बताए हैं आपको, तो इसमें क्या है गृह विज्ञान के तत्व में परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास किस प्रकार से हो सकता है कि हम कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर उसको नियंत्रण करते हैं कि किस प्रकार से कार्य करना है, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो कमियां हमारे कार्य में रह गई हैं उसको हम इसके द्वारा सुधार सकते हैं। अब गृह विज्ञान की प्रगति कैसी होती है हमारे, तो अब हम गृह विज्ञान की प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती गई, इसी वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही गृह विज्ञान ने एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर लिया। स्वतंत्र विषय के रूप में गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इसकी प्रगति को निर्धारित करना भी आवश्यक समझा गया। कुछ विद्वान गृह विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इसको कला मानने के पक्ष में है। वास्तव में यह कला है या विज्ञान, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से तो जानना आवश्यक है कि विज्ञान एक कला का स्वरूप और विशेषताएं क्या है तथा किन आधारों पर किसी विषय को विज्ञान का या कला कहा जा सकता है। विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान किसी विषय को विज्ञान वर्ग में रखा जाए या कला वर्ग में, इस बात का निर्धारण उस पद्धति के आधार पर होता है जिसको विषय के अध्ययन के लिए अपनाया जाता है। इस तथ्य को कार्ल पियर्स ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा कार्य करना कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का अध्ययन करना है। वैज्ञानिक सिद्धांत प्रायोगिक रूप से प्रमाणित होने चाहिए। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, आहार एवं पोषण विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, क्रिया आदि विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इन समस्त विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किया जाता है। ये अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं तथा इनमें इनके क्षेत्र में विद्यमान कार्य करना संबंधों को भी याद किया जाता है। गृह विज्ञान के इन समस्त अध्ययन क्षेत्रों में प्रतिपादित किए जाने वाले सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संक्रामक रोगों के फैलने का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है ही है। गृह विज्ञान के इस प्रकार के विभिन्न सिद्धांत सार्वभौमिक होने के साथ ही प्रमाणित भी है, जिन्हें कभी भी और कहीं भी प्रेक्षण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि विभिन्न टीके लगवा लेने से बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को प्रावधानिकता तथा प्रमाणिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण बढ़ रहा हो तथा सामान्य स्वच्छता की अभिज्ञा हो रही हो तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता रह पाएगा और उनके रोगग्रस्त होने पर की दर बढ़ेगी। इन समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों विशेष क्षेत्रों में
आवश्यक गुण विद्यमान है, अतः गृह विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। अब बच्चों इसको चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित जो आज तक मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके विषय में मैं आपसे दो चार क्वेश्चन बताना चाहूंगी, तो आप उनको याद करेंगे। गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं? गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर उत्तर है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा। गृह विज्ञान के तत्व हैं परिवार के सदस्यों का बहुपक्षीय विकास, नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया है, गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं? जो चार तत्व हैं हमारे गृह विज्ञान के तत्व हैं, परिवार के सदस्यों का बहुपक्षीय या बहुपक्षीय बहुमुखी विकास, दूसरा नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में सम्मिलित दो अध्ययन विषयों का उल्लेख कीजिए, कौन कौन से हैं? गृह विज्ञान में सम्मिलित दो मुख्य विषय है गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा तथा आहार एवं पोषण विज्ञान। बस आज मैं दो ही क्वेश्चन बताऊंगी आपको इससे संबंधित, और आगे बाद इसको फिर कल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जो आगे का चैप्टर बचता है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।